Hey guys, what's up? This is me, SK, and you're watching Russell Hunt. दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे AEW से जुड़ी काफी बड़ी और काफी इम्पोर्टेंट अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट शो पर एक काफी बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और साथ ही साथ हम इस हफ्ते की AEW और NXT की रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, हमें जल्दी AEW पर स्नूप डॉग देखने को मिलने वाले हैं, और वो हमें कब देखने को मिलने वाले हैं, इन सारी थिंग्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते की AEW और NXT की रेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, हमें वेडनेसडे नाइट वॉर्स में AEW वर्सेस NXT देखने को मिलते हैं, और इस हफ्ते AEW और NXT दोनों की रेटिंग ही इंक्रीज हुई है। दोस्तों, हमें पिछले हफ्ते NXT की व्यूअरशिप देखने को मिली थी 658K, और यही हमें इस हफ्ते देखने को मिली है 659K। और इस हफ्ते का NXT शो उनके NXT टेकओवर वॉर गेम्स के बाद पहला शो था जहां पे उनको व्यूअरशिप मिली है 659K, यानी कि 6,59,000। और अगर हम इनके पिछले हफ्ते की कंपैरिजन करें तो इस हफ्ते सिर्फ 1,000 व्यूअरशिप ही बड़ी है। और दोस्तों, अब बात करते हैं AEW के बारे में। हमें पिछले हफ्ते AEW की रेटिंग्स देखने को मिली थी 913K, जो कि इस हफ्ते लगभग 5% बढ़ चुकी है। और दोस्तों, हमें इस हफ्ते AEW डायनामाइट शो की रेटिंग्स देखने को मिली है 995K, जो कि 1,000,000 के पास ही है। और दोस्तों, ये AEW की अभी तक का तीसरी हाईएस्ट व्यूअरशिप है। हमने इससे पहले इनकी हाईएस्ट व्यूअरशिप देखी थी 16 अक्टूबर 2019 और 23 अक्टूबर 2019 को, जो कि 1,000,000 के ऊपर थी, और ये भी लगभग 1,000,000 के आसपास ही है। दोस्तों, इस हफ्ते AEW को काफी अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि AEW ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि हमें इस हफ्ते स्टिंग देखने को मिलेंगे, और स्टिंग से AEW को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इनकी थर्ड हाईएस्ट व्यूअरशिप पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट शो पर हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा टैग टीम मैच होने वाला है। वो होगा 7-on-7 टैग टीम मैच। दोस्तों, हमें एक तरफ देखने को मिलने वाली है इनर सर्कल, जहां हमें इनर सर्कल में देखने को मिलने वाले हैं क्रिस जेरिको, संताना, ओर्टिज, सैमी गुरेरा, MJF, जेक हेगर एंड वार्डलो। और वहीं हमें दूसरी तरफ काफी सारी टीम्स देखने को मिलने वाली है, जैसे टॉप फ्लाइट, बैरंडन कल्टर, वर्सिटी ब्लॉन्ड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, नेक्स्ट वीक के लिए AEW ने ये बड़ा मैच ऑफिशियली अनाउंस किया है, और ये मैच हमें काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हम इस मैच की प्रिडिक्शंस की बात हमारे AEW डायनामाइट शो के प्रीव्यू में करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट के ऊपर। दोस्तों, हमने अभी AEW डायनामाइट का स्पेशल एडिशन या फिर स्पेशल एपिसोड देखा था, जो कि AEW विंटर इज कमिंग था, जहां हमें स्टिंग का रिटर्न देखने को मिला। और दोस्तों, ऐसे ही AEW ने इंट्रोड्यूस किया है कि हमें 30 दिसंबर 2020 और 6 जनवरी 2021 को AEW डायनामाइट शो की दो स्पेशल नाइट्स देखने को मिलने वाली है, जो कि है न्यू ईयर स्मैश। इस साल न्यू ईयर पर हमें AEW डायनामाइट के स्पेशल एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं न्यू ईयर स्मैश, और उसके लिए AEW ने अपने गेस्ट को रिवील कर दिया है, जो कि हमें न्यू ईयर स्मैश पर गेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। वो कोई और नहीं, हॉलीवुड के बड़े रैपर स्नूप डॉग होने वाले हैं। दोस्तों, हमें स्नूप डॉग AEW में देखने को मिलने वाले हैं AEW के डायनामाइट स्पेशल एपिसोड न्यू ईयर स्मैश में देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर ये जरूर बताना, क्या आप लोग स्नूप डॉग को AEW पर देखना चाहते हैं या फिर नहीं। और अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।